नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बिरिनाग विकासखंड के बरसायत गांव की अमीषा बसेड़ा के फेमिना मिस उत्तराखंड चुने जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र के दीपक बसेड़ा, गंगा सिंह बसेड़ा, ग्राम प्रधान सहित तमाम लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अमीषा वर्तमान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लाल सिंह बोरा का चयन अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ है, जिसको लेकर यहां खुशी का माहौल है। डॉक्टर बोरा आगरा में आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कई देशों के सर्जन भी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें विभिन्न बीमारियों से जुड़ी नई तकनीकों को लेकर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। डॉक्टर बोरा के चयन को लेकर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आज जमराड़ी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक टीम द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान टाइफाइड और पीलिया की बीमारी की संभावनाओं को देखते हुए सैंपल भी लिए गए। ग्रामीणों की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि गोपू मेहर की उपस्थिति में आज CMO डॉक्टर HS यांके के नेतृत्व में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक टीम ने गाँव में पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आभार भी व्यक्त किया है। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम वल्दिया, गोलू पाठक सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के गजेंद्र और कविता के मास्टर वेटनर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर सीमांत में खुशी की लहर है। दोनों चयनित खिलाड़ी आगामी माह में गोवा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हल्द्वानी में आयोजित हुई 20वीं राज्य स्तरीय मास्टर वेटनर बैडमिंटन प्रतियोगिता में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की एकल प्रतियोगिता में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक कविता भगत ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मिक्स डबल में UGBNL के महाप्रबंधक गजेंद्र पुदियाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों खिलाड़ी आगामी मार्च माह में गोवा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग पुरुष डबल में कैलाश भट्ट और 65+ आयु वर्ग में DS बिगारी विजेता रहे। प्रतियोगिता के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। गोवा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्वालिफाई राउंड के लिए सीमांत के विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी DS डिगारी, कैलाश भट्ट, भूपेश पंत, शंकर खरकवाल, मनोज वर्मा और पुष्कर रावत प्रतिभाग करेंगे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक झूलाघाट प्रकाश जोशी के नेतृत्व में SSI मनोहर लाल व टीम द्वारा 112 की सूचना पर गैनों से एक आरोपी नीरज कुमार को शराब के नशे में लोगों को गाली गलौज करने व हो हल्ला कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 66 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इधर बीते लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धारचूला कोतवाली निरीक्षक KS रावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल आन सिंह व टीम द्वारा SOG व सर्विस लांस की मदद से आरोपी पदम सिंह पुत्र गगन सिंह निवासी बांच धारचूला नेपाल को धारचूला के निकट से गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मोबाइल, चैन और अन्य सामान लूटकर भागे इनामी आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते एक दिवस पूर्व चौकुटिया निवासी ललित सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 3 व्यक्ति उसका मोबाइल, चैन व अन्य सामान छीनकर भाग गए। तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी रमेश जोशी सहित 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। SSP प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर सभी संभावित स्थानों में दबिश दी गई। SSP द्वारा प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसमें से 2 आरोपी रमेश जोशी व नरेंद्र सिंह को चौकुटिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार पूर्व में किया जा चुका था। मामले का वांछित एक इनामी आरोपी जगदीश सिंह की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष अवनीश कुमार के नेतृत्व में सर्विस लांस सेल की मदद से लगातार प्रयास करते हुए बीते दिवस इनामी आरोपी जगदीश सिंह उर्फ जगत सिंह निवासी खत्याड़ी चौकुटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 75,000 की गले की चैन लूटी हुई बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह, SOG प्रभारी सुनील धानक, कांस्टेबल बलवंत प्रसाद, अनुज त्यागी व नवीन शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी,
इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।